स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो हमने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ इस तरह से है। तो चलिए मैं आप लोगों से अभी कुछ देर बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। लो भाई इधर भी लक्षण में कहा कहाँ लगा है, लगी है नहीं? देखा है तो आप लोग को पता ही है कि दीदी जो है आ चुकी है, लेकिन तब से जो है काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि हमने उनका ब्लॉग देखा हुआ है। तो क्योंकि बच्चे हैं साथ में, तो बच्चों को भी ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर भाग ही रहे हैं। ये देख सकते हैं, चलिए मिलते हैं। देखो गाइस बच्चे लोग जो है खेल रहे हैं, ये देखो। और दूर से ऐसा लग रहा था कि इस ये जो है ना पानी पानी है, ये जो पत्थर था इतना ज़्यादा लाइट मार रहा है, देख सकते हैं आप लोग। दूर पे देखो जैसे लग रहा है कि पानी है पूरा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पे देखो हमारी छोटी सी फैमिली, हम लोग बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, और दीदी एंड जीजा प्रत्यूष उधर जो है मस्ती कर रहे हैं। सो फैमिली हम लोग इतना ज़्यादा थक गए हैं कि क्या बताएं, अब चला नहीं जा रहा है। ये देखो
हवा नहीं चल, पैर में छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। दीदी का जो सैंडल है ना थोड़ा गाय मिस्टेक, हाँ ये हील वाली पहन के चले आए थे। और मैं तो जूती पहनी हूँ लेकिन फिर भी मेरी सांस जैसे निकल जाए कि ऐसा लग रहा है। जानवी देखो आज अपनी बुआ की पसंद का ड्रेस पहनी हुई है, देखो अच्छी लग रही है। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा कैमरा नीचे करो। ए देखो आज मैं दूर से दिखा दे रही हूं, देखो चलो। और सैंडल भी दिखा रही है कि बुआ की पसंद का है। अंधेरा बहुत है, सब लोग बोलते भी है कि भाभी आपकी बेटी बिल्कुल प्रियादीप जैसे है, टू पापी सेम सेम। सच में दीदी ऐसे कमेंट बहुत आते हैं। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा चैनल। हाँ ये देखो सुनो। सो गाइस हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने की इसे हम लोगों ने एंटर किया था। तो ये देख सकते हैं हम लोग जो है इससे अंदर गए थे और सच बोलते हैं ये जो हाथी पार्क है बहुत बड़ा है। लोग चल रहे हैं वहाँ झरने के पास, क्या बोलते हैं झरना ही पानी जा गिर रहा है तो वहीं चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगे हैं, तो चल रहे पानी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पानी के पास जैसा मैंने आप सभी को बताया मैं तो पहली बार आई हूँ, दीदी एक बार आ चुकी हैं, वो भी उनको आए हुए 5 या 4 साल इतना हो गया होगा। तो ये देखो जो है इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी जाना है हाथी पार्क घूमने तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा ज़रूर अपनी फैमिली के साथ और साथ में अपने बच्चों को लेके जाना, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे तो बच्चे आपके ना बहुत सारा इंजॉय करेंगे दोस्तों। और सच में मैं तो देखते ही रह गई, इतनी बड़ी बड़ी हाथी, ओ माय गॉड, और इतनी सारी हाथी बनवाई हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब भी आना लखनऊ तो हाथी पार्क घूमने ज़रूर आना। ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ। उसका वेट करते रहना, आपकी आराध्या फिर मुलाकात करेंगी एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, ठीक है।